गलत लाइफस्टाइल और प्रदूषित वातावरण के कारण महिलाओं के शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, और उन्हीं में से एक है प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्याएं। जहां महिलाएं बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती हैं, कुछ ऐसे ही समस्याओं के समाधान के लिए बना है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहां IVF प्रक्रिया के द्वारा बांझ कपल्स का उपचार किया जाता है और उन्हें अपनी संतान होने का सुख प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये IVF क्या होता है। तो देखिए, आज के इस समय में खान पान से लेकर रहन सहन तक सभी चीजें बदल गई हैं। लोगों के जीवन जीने के तरीके पूरी तरह बदल चुके हैं, जिसका असर महिलाओं की प्रेगनेंसी पर भी पड़ता है। इन सभी समस्याओं के कारण महिलाओं को कॉन्सीव करने में दिक्कत आती है, और यदि कॉन्सीव हो जाता है तो मिसकैरेज जैसी समस्याएं हो जाती हैं, या प्रेगनेंसी सफलतापूर्वक नहीं हो पाती। ऐसी ही समस्याओं से निजात पाने के लिए IVF ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसे आम बोलचाल में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। अब जानेंगे IVF में क्या क्या होता है, कैसे कैसे गर्भाशय में फर्टिलाइजेशन होता है, और कैसे लैब में बने भ्रूण को महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। अंडों की संख्या बढ़ाना। प्राकृतिक रूप से महिला की ओवेरी में हर महीने अंडे तो ज्यादा बनते हैं, लेकिन हर महीने एक ही अंडा बड़ा होता है। लेकिन IVF प्रोसीजर में सभी अंडे बड़े करने के लिए महिला को इंजेक्शन और दवाइयां दी जाती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान अंडों के विकास को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड के माध्यम से महिला की जांच की जाती है। IVF प्रक्रिया में सामान्य से ज्यादा अंडे इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनसे ज्यादा भ्रूण बनाए जा सके, और उन भ्रूणों में से सबसे अच्छे भ्रूणों को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जा सके। अंडे शरीर से बाहर निकालना। अंडे बनने व परिपक्व होने के बाद अल्ट्रासाउंड इमेजिंग की निगरानी में एक पतली सुई की मदद से अंडे टेस्ट ट्यूब में जमा किए जाते हैं, जिन्हें लैब में रख दिया जाता है। एग फर्टिलाइजेशन। महिला के अंडे निषेचित करवाने के लिए मेल पार्टनर के सीमन का सैंपल लेकर अच्छे शुक्राणु अलग किए जाते हैं। लैब में महिला के अंडों के सामने पुरुष के शुक्राणुओं को छोड़ा जाता है। शुक्राणु अंडों में प्रवेश कर जाता है और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। भ्रूण ट्रांसफर। IVF प्रक्रिया के माध्यम से भ्रूण या ब्लास्टोसिस्ट में से एक दो अच्छे भ्रूण का एम्ब्रियोलिस्ट चयन करते हैं और उन्हें भ्रूण ट्रांसफर कैथेटर में ले लेते हैं। डॉक्टर एक पतली नली के जरिए भ्रूण को बड़ी सावधानी से अल्ट्रासाउंड इमेजिंग की निगरानी में औरत के गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं। भ्रूण ट्रांसफर की प्रक्रिया में दर्द नहीं होता है और महिला को बेड रेस्ट की जरूरत भी नहीं होती है। भ्रूण जन्म तक मां के गर्भ में ही बड़ा होता है। तो इस तरह IVF की प्रक्रिया समाप्त होती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF की प्रक्रिया इलीगल है या लीगल है, कमेंट करके बताना, और अपने भाई के इस यूट्यूब चैनल ADL फार्मेसी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।